नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो प्राप्त हुई है PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्राप्त हुई है। और ये जो प्राप्ति है वो EPS 95 का जितने भी पेटिशन याचिका दायर की गई थी विभिन्न कोर्ट में और PMO में, उसी का जवाब हमें प्राप्त हुआ है PMO ऑफिस से। तो बहुत बड़ी अपडेट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक वीडियो के साथ में बने रही है ताकि पूरी अपडेट आपको पता चल सके कि PMO ऑफिस से क्या रिप्लाई आया है EPS 95 को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो अपडेट हमें प्राप्त हुआ है PMO ऑफिस से, जहां पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है PMOPG/E2024-00745-76। और जो नेम ऑफ कंप्लेंटेंट थे वो थे SVP यादव जी। डेट ऑफ रिसीप्ट प्राप्त हुआ था 20 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री ऑफिस को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो कंप्लेंट दाखिल की थी वो इस तरह से है। यहाँ पर साथियों आपको थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, लेकिन मैं आपको पढ़कर बताऊंगा इसका हिंदी में, मैं ट्रांसलेट भी करता चलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू नरेंद्र दास मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली। रेस्पेक्टेड सर, I would like to bring one issue on petitioners that EPF petitioners or retirees from the different corporations and private organizations are mostly getting a very meager amount, ₹1,000 per month as a pension. But pensioners wants pension ₹9,000 per month and health insurance schemes, so kindly do the needful and support to EPF pensioners. तो यहाँ पर लिखा है कि सर आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ और एक इश्यू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो EPS पेंशनर से जुड़ा हुआ है, रिटायर्ड एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और क्षेत्रों में जो कार्यरत कर्मचारी थे जो रिटायर्ड हुए हैं, उनको बहुत ही कम ₹1,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है, जो बहुत ही नाकाफ़ी है। और कम से कम उनको ₹9,000 पर मंथ और हेल्थ इंश्योरेंस मिलना ज़रूरी है। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी रू दैट एज अर्ली एज पॉसिबल लुक आफ्टर इन टू दिस इशू एंड सपोर्ट टू EPF पेंशनर। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र दास मोदी जी से, कि वो जल्दी से जल्दी इस इशू पर ध्यान दें और EPF 95 के पेंशनरों का सपोर्ट करें। जय हिंद। SVP यादव MA पॉलिटिक्स, MA इन्होंने अपनी एजुकेशन भी लिखी, एडवोकेट हैं जनरल एंड BJP लीडर। मोबाइल नंबर इन्होंने लिखा है, ईमेल आईडी यहाँ पर हाइड की हुई है कॉन्फिडेंशियल रीजन की वजह से। तो यहाँ पर आप देखिए मेन मुद्दा जो है क्या रिप्लाई आया है PMO ऑफिस से। तो करंट स्टेटस इन्होंने केस क्लोज दिखा दिया है, डेट ऑफ एक्शन इन्होंने जो लिया है 24 अप्रैल 2024, यानी हाल ही में एक्शन लिया गया। और अब इसके एवज में क्या रिप्लाई PMO ऑफिस ने दिया है तो ये हम देख लेते हैं। विथ रिगार्ड टू इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इज ए सेल्फ फंडेड स्कीम with contribution of at the rate 8.33% of wages from employer and 1.16% of wages by central government. तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि with regard of minimum pension hike के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि जो employee pension scheme 95 है वो एक self-funded scheme है जिसके अंतर्गत 8.33 contribution employer का प्राप्त होता है और 1.16% central government contribute करती है। All benefit under the scheme is paid out of such accumulations. जितने भी benefit दिए जाते हैं इस स्कीम के तहत वह इसी accumulation से दिए जाते हैं। The fund is valued annually and additional relief are paid if the position of the fund so permits. ये fund हर वार्षिक एलुएट होता है और अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो additional relief दिया जाता है। आगे लिखा है सिंस द ईयर 2000 द फंड रेन इन टू डिफिसिट एंड नो एडिशनल रिलीफ्स कुड बी पेड, यानी कि सन 2000 से जो फंड है वो डिफिसिट में चल रहा है और कोई भी एडिशनल रिलीफ नहीं दी जा सकती। कंसिडरिंग द एक्चुअल डिफिसिट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल टू गिव मिनिमम पेंशन और ₹9,000 पर मंथ ऑफ पेंशन। एक्चुअल डिफिसिट को देखते हुए सस्टेनेबल नहीं है कि मिनिमम पेंशन ₹9,000 दी जा सके। इन स्पाइट ऑफ दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनहेंस मिनिमम पेंशन ₹1,000 पर मंथ by providing budgetary support keeping the widespread demand in view even though there is no provision in the scheme for such budgetary support।
इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये पर मंथ किया था बजटी सपोर्ट देकर, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। चंद्रमौली चक्रवर्ती SEC हेडक्वार्टर पेंशन ऑफिसर कंसर्न आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। राजेश पांडे रीजनल PF कमिश्नर EPFO कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है। तो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं ये PMO की तरफ से रिप्लाई आया है इस पिटीशन इस याचिका दायर का जो EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं हाल ही में ये रिप्लाई आया, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस ओर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। बाहर भले ही उनके मंत्री आश्वासन देते हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ा दी जाएगी, तो यहाँ पर फिर से देखा जा सकता है कि सरकार की दोहरी नीति फिर से चरित्रार्थ हुई है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। तो यहाँ ऑफिशियल रिप्लाई PMO से प्राप्त हुआ जिसमें साफ साफ ये डिनाई कर रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। तेलंगाना NSA जिंदाबाद।